के रोड शो को लेकर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ता कमल के फूल वाली बीजेपी के रंग की साड़ी रोड शो में पहनकर पहुंची। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर छात्रों में भी जोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां पर पीएम मोदी ने कानपुर की जनता का अभिवादन किया है। ये कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं कि गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कानपुर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज रोड शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानपुर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। लेकिन उससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और आपको बता दें कि यहाँ पर देखा जाए तो आज जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खास तौर पर जोश देखने को मिल रहा है। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से तस्वीरें, जहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी मौजूद हैं और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। रोड शो है पीएम मोदी का आज। कानपुर की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी रोड शो के जरिए। जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो उनको साधने की कोशिश की जाएगी, ये बड़ी कोशिश आज कानपुर से पीएम मोदी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कानपुर की जनता का अभिवादन किया, जिस तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया गया, भारी संख्या में लोग उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके रोड शो को लेकर तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी गुरुद्वारा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। तो ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं कानपुर में, आज उनका दौरा है। और कानपुर में दौरे के दौरान आपको बता दें कि रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कानपुर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानपुर की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कानपुर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। और एक कोशिश रहेगी बीजेपी की कि जिस तरीके से यहाँ पर इस बार देखा गया कि मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया और उसके बाद एक नया चेहरा मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। और एक कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि बीजेपी की एक अग्नि परीक्षा है कानपुर में, और उसको लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आज रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कानपुर की जनता को। गुमटी गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने मत्था टेका, पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। और देखिए जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से पीएम मोदी गुमटी गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। खासा उत्साह उनमें देखा जा सकता है। और साफ तौर पर देखिए आज गुमटी गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। आपको बता दें कि कानपुर में बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और बीजेपी चाहेगी कि एक जीत हो, वो भी बड़े अंतर से, और उसको लेकर भव्य रोड शो कहीं ना कहीं वोटर्स को कन्विंस करने की आज एक बड़ी कोशिश। समर्थकों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। कानपुर में बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है। आपको बता दें कि कानपुर से इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया और रमेश अवस्थी एक नया चेहरा यहां पर कानपुर की जनता को बीजेपी ने दिया है।
सांसद प्रत्याशी के तौर पर, रमेश अवस्थी के तौर पर, और अब पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं। ये रोड शो आज एक बड़ा संदेश इस रोड शो के जरिए कानपुर की जनता को देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में जो पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए जो यहां पर लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनमें खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी अगर जिस तरीके से हमने देखा कि पीएम मोदी ने जितनी भी जनसभाओं को संबोधित किया है, जितनी भी रैलियों में उन्होंने भाग लिया है, जितनी भी रोड शो उन्होंने किए हैं, भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया है। और ये कानपुर की सीट है, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो नाक की सीट है, और यहाँ से एक कोशिश की जाएगी कि एक बड़ी जीत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ये सीट जीते। जनता में साफ तौर पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अरे ममता कहाँ जा